गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज दी सेकेंड वीडियो ऑफ फ्रैक्शन। पिछले वीडियो में हम लोग फ्रैक्शन के बारे में पढ़ चुके हैं कि फ्रैक्शन क्या होता है। तो फ्रैक्शन इज ए पार्ट ऑफ होल, किसी भी होल के एक पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रैक्शन। और एक एग्जांपल ले लें, सर्कल है जिसको हम डिवाइड कर दिए, तो इसमें का हर पार्ट क्या होगा, फ्रैक्शन होगा। और फ्रैक्शन में एक चीज़ और बता चुके हैं कि जो डिनोमिनेटर है वो क्या शो करता है, नंबर ऑफ इक्वल पार्ट, यानी नंबर ऑफ कितने इक्वल पार्ट में इसको डिवाइड किए, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो यहाँ हम कितने पार्ट में डिवाइड किए हैं, 6 पार्ट में। अगर इसमें से हम दो को सेटेड कर दिए तो हम लोग पढ़ चुके हैं कि न्यूमिनेटर में क्या आता है, नंबर ऑफ सेलेक्टेड पार्ट। तो यहाँ सेलेक्टेड या सेटेड पार्ट कितना है, 2। तो इसका फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, 2/6। अब अगर इसी में क्वेश्चन पूछ दे कि अनसेडेड का बताइए फ्रैक्शन क्या होगा, तो अनसेडेड पार्ट कितना है, 1, 2, 3, 4। और हम लोग को पता है कि न्यूमिनेटर में क्या आता है, नंबर ऑफ सेलेक्टेड पार्ट मींस नंबर ऑफ अनसेडेड पार्ट कितना हो गया, 4। और टोटल डिनोमिनेटर में क्या आता है, नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स, तो नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स कितना है, 6। तो फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, अनसेडेड का 4/6 और सेडेड का 2/6। इसके बाद हम लोग टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन पढ़ चुके हैं कि टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन में पहला हम लोग पढ़े थे प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या पढ़े थे हम लोग कि जो न्यूमिनेटर होता है, न्यूमिनेटर क्या होता है, डिनोमिनेटर से छोटा होता है। उसके बाद इम्प्रॉपर में क्या पढ़े थे हम लोग कि न्यूमिनेटर जो होगा वो डिनोमिनेटर से बड़ा होगा और इसमें न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर इक्वल भी हो सकते हैं। इम्प्रॉपर में ये बात हमेशा याद रखिएगा कि न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर इक्वल भी हो सकते हैं। अगर इसका एक एग्जांपल लिया जाए तो हम बोल सकते हैं कि 5/5 ये कौन सा फ्रैक्शन होगा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। उसके बाद मिक्स फ्रैक्शन के बारे में भी पढ़ चुके हैं कि कॉम्बिनेशन ऑफ होल नंबर एंड प्रॉपर फ्रैक्शन इज कॉल्ड मिक्स फ्रैक्शन। तो पिछले वीडियो में हम लोग इतना पढ़ चुके थे, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि इम्प्रॉपर को मिक्स में कैसे कन्वर्ट करते हैं और प्रॉपर को मिक्स में कैसे कन्वर्ट करते हैं और मिक्स को इम्प्रॉपर में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो पहला कन्वर्ट 13/9 इंटू मिक्स फ्रैक्शन। थर्टीन बाई नाइन को किस में कन्वर्ट करना है, मिक्स फ्रैक्शन में। और 13/9 आपका कौन सा फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, क्योंकि न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर से ज़्यादा है। तो इसका एक फॉर्मूला होता है, जब भी हम मिक्स में कन्वर्ट करेंगे तो हो जाता है कोशेंट कोशेंट रिमाइंडर डिवाइडेड बाय डिवाइडेड, यानी होल होल जो पार्ट हम लोग मिक्स फ्रैक्शन में लिखते हैं वो क्या लिखते हैं, क्वेश्चन। उसके बाद न्यूमिनेटर के जगह पे क्या आता है, रिमाइंडर, और डिनोमिनेटर में आता है डिवाइडर। तो अब ये 13/9 को हमको मिक्स फ्रैक्शन में जब कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे, पहले हम 9 से 13 को डिवाइड करा देंगे, 1 बार में 9 माइनस करेंगे 4। तो फॉर्मूला हम लोग देख चुके हैं कि क्या आता है, होल पार्ट की जगह पे क्वेश्चन। तो यहाँ क्वेश्चन कितना आया, 1। तो 13/9 का मिक्स फ्रैक्शन देखा जाए तो क्या हो जाएगा, होल पार्ट में 1 आया। उसके बाद क्या आता है, रिमाइंडर, रिमाइंडर कितना है, 4, और डिवाइडर हमारा कितना है, 9। यही होता है मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने का तरीका। और मिक्स फ्रैक्शन या किसी भी फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर कभी भी चेंज नहीं होता। उसके बाद नेक्स्ट जो हम लोग पढ़ेंगे, तो हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे कन्वर्ट करेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अगर मिक्स फ्रैक्शन दिया हुआ है तो मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, यहाँ पे एक एग्जाम्पल देते हैं, 1 4/9 इंटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। यानी हमारे पास मिक्स फ्रैक्शन दिया हुआ है, इसको इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करना है। तो इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करने का एक फॉर्मूला होता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इज इक्वल टू क्या हो जाता है, डिनोमिनेटर इनटू होल नंबर प्लस न्यूमिनेटर डिवाइडेड बाय
डिनोमिनेटर। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का यह फॉर्मूला होता है कि डिनोमिनेटर इंटू होल नंबर, यानी डिनोमिनेटर को पहले हम लोग होल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं और न्यूमिनेटर को ऐड करते हैं, और जो डिनोमिनेटर में जो रहेगा वो डिनोमिनेटर से क्या कर देते हैं, उसको डिवाइड कराते हैं। इसको देख लीजिए कैसे करेंगे। तो यहाँ पे हमारा जो है 1/4/9 हम लोग क्या पढ़ है कि डिनोमिनेटर इंटू होल नंबर, यानी क्या करेंगे 9 × 1, ये डिनोमिनेटर है हमारा, ये होल नंबर है। फिर क्या था प्लस न्यूमिनेटर, तो न्यूमिनेटर में क्या है 4, डिवाइड किससे कराना था डिनोमिनेटर से, तो 9। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो 9 × 1 क्या आएगा, 9 + 4 है आपका डिवाइडेड बाई 9। अब 9 + 4 कितना हो जाएगा आपका 13/9। इस वे में हम लोग मिक्स फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। इसका जो फॉर्मूला है वो याद रखिएगा कि डिनोमिनेटर इनटू होल नंबर प्लस न्यूमिनेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर। अब जो हमारा आगे का जो टॉपिक है लाइक फ्रैक्शन, उसको देखते हैं कि लाइक फ्रैक्शन क्या होता है। द फ्रैक्शन हैविंग सेम डिनोमिनेटर आर कॉल्ड लाइक फ्रैक्शन, यानी वे सारे फ्रैक्शन जिनका डिनोमिनेटर सेम होगा तो क्या होंगे, लाइक फ्रैक्शन। अगर एग्जांपल है 2/5, 3/5, 7/5, तो यहाँ पे ये तीन फ्रैक्शन है, तीनों क्या है, तीनों का डिनोमिनेटर अगर देखा जाए तो क्या है 5, यानी सेम है, तो ये तीनों फ्रैक्शन क्या होंगे, लाइक फ्रैक्शन होंगे। अनलाइक फ्रैक्शन जस्ट इसका उल्टा, यानी फ्रैक्शन हैविंग डिफरेंट न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर, वैसे सारे फ्रैक्शन जिसका डिफरेंट न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर हो। अगर एग्जांपल ले लें हम 3/5, 6/7, 8/9, अब यहाँ पे देख रहे हैं कि किसी का ना तो डिनोमिनेटर सेम है और ना न्यूमिनेटर सेम है, तो ये क्या होंगे, अनलाइक फ्रैक्शन होंगे। लास्ट में हमको पढ़ना है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होता है कि फ्रैक्शन ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बाय सेम नॉन जीरो नंबर इज कॉल्ड इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। यानी किसी भी फ्रैक्शन को अगर एक फ्रैक्शन यहाँ पे ले लेते हैं 2/3, अब इस फ्रैक्शन को नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों को, उसके बाद जो फ्रैक्शन ऑब्टेन्ड होगा वो क्या होगा, इस 2/3 का इक्विवेलेंट होगा। देख लेते हैं 2/3 नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई करना है, 2 से करा देते हैं पहले मल्टीप्लाई, तो क्या आ जाएगा हमारा 4/6। तो हम बोल सकते हैं कि 2/3 का इक्विवेलेंट क्या है, 4/6। और ये इक्विवेलेंट क्यों होता हो रहा है, क्योंकि इक्वल है, अगर इसको कट किया जाए तो 2 × 2 = 4, 2 × 3 = 6, क्या वैल्यू आया 2/3। ये 2/3 पहले भी था और 2/3 बाद में भी आ रहा है, यही होता है हमारा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में हम लोग क्या करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कराने पे निकालेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करके निकालेंगे, 4 से मल्टीप्लाई करके निकालेंगे। अब अगर इसमें क्वेश्चन आता है कि राइट 5 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ, अगर फ्रैक्शन एक दे दिया 2/3 और बोल रहा है कि इसका 5 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बताइए, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले इस 2/3 को पहले 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 से मल्टीप्लाई कर दिए क्या आ गया 2 × 2 = 4, 3 × 2 = 6, फिर इस 2/3 को क्या करेंगे 3 से मल्टीप्लाई करा देंगे, क्या जाएगा 6, 3 × 3 = 9, फिर 2/3 को क्या करेंगे अब 4 से मल्टीप्लाई करा देंगे, 4 × 2 = 8, 3 × 4 = 12, तो ये जो 4/6, 6/9 और 8/12, यानी फिर आगे 5 से मल्टीप्लाई कराएंगे फिर 6 से कराएंगे, तो ये जो ऑब्टेंड हो रहा है मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा 4/6, 6/9, 8/12, तो ये सब क्या है 2/3 के इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। और ये जरूरी नहीं है कि हम इसी सेम नंबर को 2, 3, 4 से मल्टीप्लाई कराएं, जो ये आया आपका रिजल्ट 4/6, अगर इसको भी हम 2 से मल्टीप्लाई करा दें, 2 से मल्टीप्लाई करा दें तो क्या आ जाएगा 4 × 2 = 8, 6 × 2 = 12, तो ये भी फिर 8/12 को भी हम 2 ही से करा सकते हैं, तो क्या आ जाएगा 8 × 2 = 16, 12 × 2 = 24, तो ये भी हम इस ढंग से भी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकाल सकते हैं। यानी एक निकल गया 4/6, इसको सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई कराइए,
8 बाई 12 आया, 8 बाई 12 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ये आएगा, फिर इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा। यहाँ जरूरी नहीं कि 2 बाई 3 को ही पहले 2 से कराए, 3 से कराए, 4 से कराए, 5 से कराए, इस वे में भी कर सकते हैं और इस वे में भी कर सकते हैं, यानी जो भी 2 से मल्टीप्लाई करने पर रिजल्ट आ रहा है उसको फिर से 2 से मल्टीप्लाई कराइए, फिर उसको 2 से मल्टीप्लाई कराइए, इस वे में भी हम लोग जो है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑब्टेन कर लेते हैं। इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके आगे डिस्कस करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, दैट्स ऑल फॉर टुडे।